नमस्कार, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं 99 न्यूज का डिजिटल पेज। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह नरेंद्र मोदी को याद किया। क्यों याद किया? जंगल राज। दरअसल इन दिनों जंगल राज को लेकर नेता प्रतिपक्ष, विरोधी विपक्ष, सत्ता पक्ष पर हमलावर है और लगातार उन पर हमला कर रहे हैं कि जंगल राज, बिहार सरकार के अंदर जंगल राज चल रहा है और लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। और आज सुबह भी तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया, पोस्ट में उन्होंने 33 घटनाओं की जिक्र किया है, 33 घटनाओं को गिनवाया है। पीएम नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने पोस्ट के जरिए लिखा है कि मैं इस पोस्ट से पीएम मोदी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि दो शब्द निंदा की उनसे अपेक्षा करता हूँ। पोस्ट में तेजस्वी यादव ने लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके पावन मुखार विंद से बिहार में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे रिकॉर्ड तोड़ अपराध पर दो शब्द निंदा की अपेक्षा है। वैसे भी सभी न्यायप्रिय एवं विवेकशील बिहारी कहते हैं कि आपको चुनाव के वक्त ही जंगल राज के जंगली सपने आते हैं। आपकी जानकारी और संज्ञान के लिए 2-3 दिन की आपराधिक घटनाओं की दर्दनाक अल्प सूची साझा कर रहा हूँ। वहीं तेजस्वी के इस पोस्ट पर बीजेपी का भी जवाब आया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उन पर पलटवार करते हुए ये कहा है, वाह रे जंगल राज के युवराज, क्या नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी सिर्फ ट्वीट करना है, जनता के बीच उसकी आंसू पोंछने का नहीं, उसके दर्द को समझने का नहीं, प्रशासन के द्वारा किए गए कार्रवाई से अवगत नहीं कराना? सरकार पूरी तरह से सजग है, कार्रवाई कर रही है, आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। आपको हमने कहा था 24 घंटा के अंदर बताइए कि पेपर लीक मामले में जो जांच चल रही है, आपका प्रीतम के साथ, सिकंदर के साथ क्या संबंध है, आपके परिवार से उसका क्या साठ गांठ है, क्यों सच नहीं बता पा रहे, लोगों को भरमा रहे? और आपने देखा है कि प्रशासन की सजगता, कि बैंक लूटने के मामले में किस तरह से पुलिस ने इनकाउंटर किया है दो लोगों को, जो घायल भी हुआ है, और पूरी तरह से लोग सजग है। अपने लोगों को सजग करिए, चेता दीजिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि जो जंगल राज के पुरोधा आपके हैं वो अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनकी भी दुर्दशा तय है। चाहे अपराधी हो या माफिया या भ्रष्टाचारी, सरकार सब पर निगाहें रख रही है, पूरी सजगता से काम कर रही है। बरगलाने का खेल नहीं, सच को स्वीकारना और पद की, संवैधानिक पद पर बैठे, जिम्मेवारी का निर्वहन करें, सिर्फ ट्वीट न करें।